देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। लोकतंत्र की जननी भारत में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला। 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 20 विकसित एवं विकासशील देशों का एक ऐसा संगठन जो वैश्विक GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की 60% आबादी का नेतृत्व करती है। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100 स्मारक भारत के G20 के प्रतीक चिन्ह के साथ जगमगा उठे। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, इस भावना के साथ भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। G20 को युवा शक्ति से जोड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवा मंथन मॉडल G20 समिट का आयोजन देश भर में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोवा से हो रही है। विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। युवा मंथन मॉडल G20 में प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक कैंपस शेरपा बनेगा जो आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करेगा। युवा मंथन मॉडल G20 को युवा विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, विशेषकर उनके लिए जो सार्वजनिक मंचों पर बोलने और कूटनीति में महारत हासिल करना चाहते हैं। युवा मंथन मॉडल G20 का एक प्रतिरूप है जिससे युवा शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, जहां पर युवा विकसित देश और नेताओं की तरह बातचीत करेंगे। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, ऊर्जा एवं खाद्यान्न उपलब्धता एवं चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे। युवा मंथन मॉडल G20 के माध्यम से आप टीम बिल्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुपक्षीय वार्ता, पब्लिक स्पीकिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बोलना एवं ग्लोबल लीडरशिप सीखेंगे। आइए हम सब मिलकर युवा मंथन मॉडल G20 का हिस्सा बने और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो युवा मंथन की वेबसाइट www.yuvamanthan.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। आज के वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज हेल्पलाइन मीडिया नेटवर्क।